ओम शांति दर्शक मित्रों, अनुभूति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है दिनेश भाई मेहता। आपने गुजराती, हिंदी और भोजपुरी भाषा में एक्टर की भूमिका अदा की है। आप एक्टर, प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन भी है। आपने बहुत सारी फिल्मों के अवार्ड प्राप्त किए हैं। आप ड्रामा में भी पार्ट बजाते हो और ड्रामा में भी आपको बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत आपने महाभारत में दुर्योधन और हनुमान की ड्यूअल भूमिका अदा की है। तो दर्शक मित्रों, आइए आज हम उनसे कुछ और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दिनेश भाई, अनुभूति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दिनेश भाई, आपने अपनी कलाकारी की भूमिका शुरू की तो वो कैसे आपने शुरुआत की थी? कॉलेज की शुरुआत से ही मैं ड्रामे के अंदर काम करता था और काफ़ी मिमिक्री और इंडिविजुअल प्राइज भी कॉलेज में हर एक साल में मिलते रहे, तो उससे मुझे इतना प्रोत्साहन मिला कि मैं और भी आगे बढ़ूँ कला के अंदर। तो फिर मैंने उसके अंदर आगे स्टडी करने के लिए डिप्लोमा ड्रामा भी किया और उसके अंदर 3 साल का कोर्स किया डिप्लोमा इन ड्रामा, तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैं उत्तीर्ण हुआ। क्या बात है। तो ये सब ओम शांति की कृपा से आज मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। फिर ड्रामे में हर एक ड्रामे की इंडिविजुअल प्राइज मिलती रही और ड्रामे में से फिर आगे कदम बढ़ाया गुजराती फिल्मों में। गुजराती फिल्मों के अंदर डाकुरानी गंगा, लवकुश के जिसके अंदर मैंने हनुमान जी का रोल किया। मेरा जन्म भी शनिवार को हुआ है तो मैं हनुमान जी तो बहुत ही मानता हूँ और पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ता रहता हूँ। तो हनुमान जी ने इतनी कृपा की कि लवकुश पिक्चर के बाद मैंने भगवान श्री कृष्ण में भी रोल किया अक्रूर जी का और साथ में भी उसमें भी हनुमान जी का रोल किया। फिर राम भक्त हनुमान हिंदी फिल्म आई उसके अंदर भी हनुमान जी का रोल किया। फिर भोजपुरी लैंग्वेज में भी जय हनुमान जी का रोल किया और उसके बाद हनुमान पाताल विजय उसमें भी हनुमान जी। तो हनुमान जी की इतनी कृपा होगी तो हम हनुमान जी के हिसाब से कला की सेवा करते रहे और आगे आगे बढ़ते रहे। फिर आया वीरन का रोल तो महाभारत में भी दुर्योधन का रोल किया और दुर्योधन के रोल के साथ साथ हनुमान जी जो भीमसेन पूछ अदर करते हैं तो वो 100 ईयर्स ओल्ड हनुमान जी का भी रोल मेरे को करने को मिला। क्या बात, एक ही फिल्म में आप एक ही फिल्म में दो रोल किया, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, ओम शांति शिव बाबा की कृपा है। तो अभी मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। आज की तारीख में भी 40 पिक्चर पूरा किया, फिर भी आज की तारीख में वही स्टेमिना के साथ में वही एक्टिविटी आज तक चालू रखा है। बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। दिनेश भाई, आपने और कौन से कलाकारों के साथ अपनी कलाकारी अदा की है और कौन सी और फिल्में हैं जिनमें आपने पार्ट किया है? पहले पिक्चर थी मेरी डाकुरानी गंगा, तो उर्मिला भट्ट मेरी वाइफ बनी थी और अरविंद पंड्या साथ में थे मेरे। के साहब ने ये डाकुरानी गंगा डायरेक्ट किया था। तो इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में ये मेरा पहला पिक्चर था। फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कोई कॉन्शियस हो जाऊं या ऐसा कोई, क्योंकि ड्रामे का इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस और फिर के साहब जैसा डायरेक्टर तो ये तो मेरे लिए कला गुरु होता है। तो उसी हिसाब से मुझे इतना मजा आया तो उसने इतना मेरे को प्रोत्साहन दिया कि आप और भी आगे बढ़ेंगे ये काम देख के। तो उसके बाद मेरी पिक्चर हुई गाजर की पिपूड़ी,
कि जो सभी गुजराती कलाकार थे और हिंदी भी कलाकार थे, भगवान दादा, अरविंद त्रिवेदी, ये सभी उसी पिक्चर के अंदर विलन के रोल में थे। हम मोहन चोटी जैसे हिंदी पिक्चर के सभी कलाकारों, उस सब के कलाकारों के साथ में मुझे काम करने में बहुत ही मजा आया। फिर बाद में आया शेर ने माथे सवा शेर, कि जिसके अंदर पांच हीरोइन, पांच हीरो, उसी का नाम है नरेश कनोडिया, फिर है दीपक ग्वालिया, फिर हीरोइन में है स्नेहलता जी, रागिनी, रीटा भादुरी, इस सभी कलाकारों के बीच में मेरा मेन विलन का रोल था। और इस सभी कलाकारों के साथ काम करने में इतनी बहुत ही मजा आई, इतनी बढ़िया कलाकारों के साथ में काम करने से मुझे और भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। फिर आए सती सोरठ, इसमें अरविंद बंजा थे मेरे साथ में, फिर अपने कलाकार और भी मेरे साथ में थे, फिर आए हमारे भगवान श्री कृष्ण, राकेश पांडे जी, फिर लव कुश, और उसके बाद में हमने किया वावा जोड़ू, उसमें भी हिंदी पिक्चर के कलाकारों के साथ बहुत ही मजा आया कलाकारों के साथ काम करने में। अहमदाबाद में रिक्शा वालों जो असरानी ने बनाई थी, और इतनी कॉमेडी पिक्चर थी, उसमें मैंने मिनिस्टर का रोल किया और वो भी विलन का रोल किया। वो रोल इतना तारीफ हुई कि आप देखते होंगे कि हर ई टीवी पे संडे या ऐसे महीने में एक दो बार तो ये पिक्चर चलता ही रहता है, रिपीट और रिपीट। इतनी मजा आ गई वो पिक्चर के अंदर, और ऑडियंस ने भी इतना रिस्पॉन्स दिया और ये पिक्चर बहुत बढ़िया बनी और चली भी इतनी 25 वीक वैसे ही खींच लिया। बाद में हुआ महाभारत में दो रोल किया मैंने, और रेडियाली रात, उसमें तांत्रिक का रोल, जैसे कि हिंदी पिक्चर में अमरीश पुरी का जो रोल है उसी प्रकार के सन्यासी का रोल है, लेकिन तांत्रिक, उसी प्रकार का रोल, बहुत ही अच्छा हुआ। उसमें भी प्रोत्साहन मिला, इसमें भी पारितोषिक मिला मुझे, और भी आगे बढ़ा है। जो सुभाष शाह ने ये पिक्चर डायरेक्ट किया था, तो बहुत ही अच्छी चली पिक्चर। बाद में आज ये विलन के रोल, भगवान के रोल, यानी कि दरेक बाजू से हमने जैसे धार्मिक रोल किया, इसी तरह खलनायक बाबा की रोल किया, बैलेंसिंग किया हमने पाप और पुण्य। वैसे तो मैं ओम शांति का महापुजारी हूँ, शिव बाबा की कृपा है मेरे पे, तो वो कला इतनी आगे बढ़ रही है आज की तारीख में, आज की तारीख में भी मुझे कला के लिए डिमांड होती रहती है और सेवा करता रहता हूँ। सही बात है, ये तो बाबा की कृपा है कि आप एक ही मूवी में, एक ही फिल्म में आप दो दो भूमिका अदा करते हो, और इसके उपरांत आपके बहुत सारे, मतलब डबिंग, आपके आवाज के डबिंग भी बहुत सारे एक ही पिक्चर में बहुत सारे अलग अलग तरीके से हुए हैं जी। आपको कभी भाषा में ऐसे मुश्किल नहीं हुई कि आपको बहुत सारे डबिंग करने होते हैं एक ही पिक्चर में? क्योंकि वो पात्र के अंदर मैं डूब जाता हूँ, जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि विलन का है तो उसके अंदर के इस तरह का है पात्र को, जो पूरा जचता हूं कि उसके माइंड के अंदर इतना बैठ जाता है कि उस टाइम पे अगर कोई भी देखने को भी आवे ना तो उसको लगे कि ये कोई विकराल आदमी है, हम उसके साथ बात नहीं कर सकते, इतना ऑडियंस या पिक्चर के या शूटिंग के दरमियान भी लोग कहते हैं यार आपको बात करने के हमको डर लगता है, इतना खो जाता हूं उसके अंदर। ये मेरे आत्मा, ये मेरे दिल की खास, ये वही है इच्छा जो शिव बाबा ने मेरे को दिया है, ये तोहफा दिया है मुझे, ये तोहफा से मैं आगे बढ़ता रहूं, जो रोल आता है उसको पूरा न्याय देता हूं, बस यही कृपा है हमारी। जब भी भगवान का रोल करता हूं, जैसे कि मैंने शंकर भगवान का भी रोल किया, क्या बात है, तो यहाँ नाक घूम रहे थे, यहाँ खुलते, यहाँ से दो तीन बार ऐसे मुझे फूंक लगाया, ऐसे बोला, वो सपेरे भी वहां बैठता था कि अभी वो शंकर भगवान को अभी कुछ
गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी शॉट इतना परफेक्ट हुआ, जब भी जब तक ये शॉट पूरा हुआ तब तक नाग दादा ने मेरे पे इतनी कृपा की, कुछ मेरे को तकलीफ नहीं हुई और शॉट ओके हो गया। बहुत ही अच्छी बस यही कृपा है। हम आपने विलेन का भी रोल अदा किया है जी, और भगवान का भी रोल अदा किया है, तो आपको उसमें से प्रेरणा क्या मिली? हाँ, खलनायक का रोल तो मैं पहले से ही करता हूँ, ड्रामे में भी करता था और पिक्चर की लाइन में आया तो भी मैं विलेन का रोल करता था, लेकिन जब भी मैंने जय हनुमान जी का रोल जो किया उससे बाद जब रामचंद्र जी और सीता जी के साथ मेरा सत्संग हुआ, उसके साथ में मेरा डायलॉग डिलीवरी और ये जो डायलॉग के साथ साथ मेरे पूरे शरीर के अंदर हनुमान जी ऐसे बीते कि हनुमान जी ने आने के बाद मेरे को लगा कि भाई शक्ति यही है। रामचंद्र जी को देखा, उसके अंदर मैंने भगवान का रूप देखा, शिव बाबा देखा, बस वहां से मेरे को ये भक्ति का रोल मिला, शंकर भगवान का रोल मिला और इस दरमियान में मुझे नाथीबा और भरत भाई का संपर्क हुआ, उसने मेरे को निमंत्रण दिया और ये निमंत्रण हुआ आबू जाने का, वहाँ शिव बाबा का पूरा संपर्क हुआ और 5-6 दिन हम वहाँ रहे, वहाँ भी शंकर भगवान शिव बाबा हम उसके बच्चे हैं, तो ऐसा मालूम हुआ कि नहीं यही शक्ति है जो दुनिया की सभी बच्चों के लिए, अगर ये शक्ति सभी के अंदर आ जाए तो अपना देश पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि नाथीबा जैसे हमको मिला, भरत भाई जैसे हमको मिला, वैसे दुनिया के सभी बच्चों को ऐसा प्रेरणा देने वाले आत्मा मिले और शिव बाबा का प्रयाण हुए, हम उसके साथ सेवा करें और आगे बढ़ते रहे। बस ओम शांति। आबू हम पहुंच गए, वहाँ इतनी रहने की खाने पीने की इतनी अच्छी फैसिलिटी दिया हमको कलाकारों को, और जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी, उसका दर्शन करके मैं तो इतना प्रभावित हो गया और उसके साथ साथ मेरे जैसे कलाकार का इतना बहुमान किया, स्वागत किया, शाल हमको पहनाया और बाद में ये भगवान की मूर्ति भी हमको दिया, उनको देखे इतना मैं प्रोत्साहित हुआ हूँ, इतना हृदय मेरा पिघल गया है कि मेरी आंख में आंसू टपकने लगे, बस ऐसा लगा कि मुझे आज भगवान का पूरा साक्षात्कार हुआ, इतना मैं प्रभावित हो गया। वहाँ ऐसी दादी जो 5 दिन तक हम जो वहाँ रहे तो योग किया, सत्संग किया, शिव बाबा का इतना भी हमको प्रोत्साहन दिया कि शिव बाबा क्या चीज है, क्या आत्मा है उसका, और शिव बाबा को इतना ध्यान में बैठते हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसे बैठते ही रहूँ। जभी जभी आबू का मुझे निमंत्रण मिलता है तो बस शिव बाबा का ध्यान करके मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, कभी मैं मना नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी शूटिंग हो, चाहे सोशल वर्क हो, सभी को छोड़ के बस शिव बाबा का ध्यान में रहूँ, वही मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। बस ओम शांति। आपको वहाँ पे विशेष अनुभव क्या हुआ? वहाँ आबू में हम जो बहुत से सारी जगह पे घूमे, इसमें शांति स्तंभ गए, वहाँ बाबा की समाधि, वहाँ हम बैठे तो बैठने के बाद ऐसा महसूस हुआ हूँ कि बाबा मेरे शरीर में है, शरीर में कुछ ऐसी आत्मा आ रही है, ऐसा लगा मुझे कि
दोनों आंखों से मेरी पानी गिरने लगे, ऐसे जैसे मैं रो रहा हूं ऐसा हुआ। लेकिन अंदर से मेरा हृदय इतना प्रभावित हुआ कि मेरे को क्या ऐसी कुछ शक्ति मिली, ऐसा मेरे को अनुभूति हुई। और ये अनुभूति के साथ ही मैं वहां से उठा, लेकिन ये शक्ति आज तक मेरे शरीर में कायम रही है और कायम रहेगी। बस शिव बाबा, बस जहां भी कोई भी जगह पे जाता हूं, कोई भी तकलीफ मुझे होती है तो शिव बाबा का मैं ध्यान करता हूं तो मेरा कोई भी काम इतना आसान से हो जाता है। जैसे कि पिक्चर का शूटिंग हो तो इतना बड़ा शॉट हो तो शिव बाबा का नाम लेके मैं डायलॉग बोलूं तो बस एक ही शॉट में ओके हो जाता है। क्या बात है, यही आत्मा, यही मेरी प्रेरणा होती है शिव बाबा की। बस ऐसी आत्मा मेरे कायम मेरे शरीर में रहे, बस वही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही चेंजेस आ गए मेरे में, जो कि पहले तो धार्मिक हूं इसलिए पहले तो था, फिर भी ये शिव बाबा का समाधि और उसकी प्रेरणा, ध्यान में बैठते हैं तभी, पहले तो ये हुआ कि यहां पे कोई ऊंच और नीच नहीं है, सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ के उसकी समाधि को देखते हैं, उसके ध्यान में बैठते हैं और एक साथ ध्यान में बैठ के उसको याद करते हैं। यही एक तो अच्छा मुझे अनुभव हुआ, और दूसरा जैसे कि कम खाओ और गम खाओ, उसी तरह से कोई भी आदमी अपने पे कोई भी कार्य के अंदर गुस्से हो जाए हमारे पे, तो मैं उसके पे इतना प्रेम से उसको उत्तर देता हूं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। और ये जो प्रेरणा जो मुझे शिव बाबा ने दिया उसी का नतीजा है, और वो गुस्से में आने वाला आदमी मुझे ये बात कहने के बाद इतना खुश हो जाता है कि नहीं भाई, मेरे इतना गुस्सा करके आपके पास आया, लेकिन आपने जो मुझे अच्छी तरह से ये समझाया ना, तो मैं आपकी बात से बहुत ही खुश हूं। ये मेरे पे चेंज हुआ, पहले मैं उसी से साथ गुस्से में आके बात करता, और ये समाधि ये प्रेरणा जो शिव बाबा ने दिया उसका नतीजा ये हुआ कि कार्य में, घर के कार्य में या समाज के कार्य के अंदर कि कोई भी क्षेत्र के अंदर जब भी मैं जाता हूं तो इतना स्माइल होके प्रेरणा से इतना प्रेम से उसको मैं जवाब देता हूं, उत्तर देता हूं कि वो आदमी मेरे में इतना खो जाता है कि जो मैं बोलूं वही सच। वो सच क्या, शिव बाबा की प्रेरणा, उसके ध्यान में जो मैं बैठा उसी का नतीजा मुझे आज मिल रहा है। हर एक जगह पे, कुटुंब में या समाज में या कोई भी जगह पे अंदर, तो हम जो शिव बाबा के ये सब बच्चे हैं, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी ज्ञाति के हो, लेकिन जो शिव बाबा को याद करे, उसके ध्यान में बैठे, तो समझ लो उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो उसके अंदर विघ्न आवे। बस वही कृपा हुई, वही अनुभव मुझे हुआ। और दूसरी बात, एक कलाकार के नाते रूटीन में, पहले मैं शूटिंग करने जाता तो रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे के बाद मैं सो जाता हूं, तो सुबह में 10 बजे के पहले तो उठता ही नहीं था। पर जब से ये आबू गया, मैं वहां शिव बाबा का ध्यान में बैठा, और 5 दिन तक ये सुबह 5 बजे उठने का, 4 बजे उठने का जो प्रेरणा मिली मुझे, वो आज तक चालू रही है। और आज की तारीख में भी रात को 2 बजे सो जाऊं या 12 बजे सो जाऊं, सुबह में 5 बजे से पहले मेरी आंख खुल जाती है। यही प्रेरणा मिली है मुझे शिव बाबा की कृपा से। बस यही कृपा सभी कलाकार को मिलती है, वही
मैं शिव बाबा को प्रार्थना करता हूं कि एक बार कोई भी कलाकार मेरे जैसा हो, ऊंचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन शिव बाबा का ध्यान में बैठे, उसकी प्रेरणा मिले, तो उसका कार्यकारी स्टेमिना बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, उसके काम के अंदर इतनी लगन आएगी कि वो जिसकी उम्र जितनी भी हो उससे डबल काम करता रहेगा। ये प्रेरणा मिलती है हमारे को शिव बाबा की प्रेरणा से। बस मैं यही समाज को, सभी बच्चों को, सभी को यही प्रार्थना करता हूं कि शिव बाबा का ध्यान धरो। बस किसी बच्चों के ऊपर या बड़े को भी उसको प्रेम से समझाओ, बस समझाते रहो और अपना काम आगे बढ़ाते रहो। कोई भी कार्य हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, और सभी को यही मैं एक प्रार्थना करता हूं, एक संदेशा देता हूं कि बस शिव बाबा का ध्यान धरो और उसके ध्यान में ही अपना कार्य पूर्ण करो, आगे बढ़ते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है तो आपको अनुभव भी बहुत हुए होंगे जी। आप ऐसी आपकी फिल्म का कुछ अनुभव हमारे दर्शक मित्रों को सुनाएंगे या कोई आपकी फिल्म का जो यादगार डायलॉग हो जिसके बारे में आप अगर हमारे दर्शक मित्र को कुछ बताना चाहे तो? जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं उसी का तो इंतजार में बैठा हूं अभी तक। तो ये डायलॉग होगा महाभारत का, जिसके अंदर मैंने दुर्योधन का रोल किया। तो मैं आपको ये डायलॉग गुजराती में बताऊंगा तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैं पहले माफी मांगता हूँ कि ये गुजराती में आपको डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद गुजराती हूँ और गुजराती पिक्चरों का मुझे गौरव है, इसलिए मैं गुजराती में बोलता हूँ, गुजराती में बोलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव लेके आए, तो उसने बता रहे कि भाई दुर्योधन तुम उनको कुछ दो, या पांच गांव दो, या कुछ भी कुछ दो, तो वो मना कर रहे हैं। तो उस टाइम पे दुर्योधन उसको किस तरह से कमिंग से स्वागत कैसे करता है और उसका जवाब कैसे देता है वो मैं आपको गुजराती में बता रहा हूं। श्री कृष्ण तुम्हें समझी करवा आया, परंतु मन में अमारी माटी घूणा लेने न अमारू आतिथ्य स्वीकार्यू न अमारे त्या भोजन लीधु। तमे तो पहले थी पांडवना पक्ष में छो, तमारी मध्यस्थी मां मने पति ज नथी। अरे एक पक्षकार निष्पक्ष सलाह शी आपे, जे सलाह निष्पक्ष नथी एनी कोई जेटली पण किंमत नथी, एनी निर्दोष देखाती दरखास्तो पण ऊंडा कुआमां उतारनारी होय छे। तमे पांच गाम मागो के एक गाम, मारो एक ज जवाब छे के सोनी रणी थी विदाय एटली जमीन पण हूँ आपवानो नथी। हा, जेमने हरे हरे केवुं होय तेओ आ सभा पूरी थे अहींथी जई शके छे, पण हा જેમનામાં આજ સુધીના અન્નનું કંઈ પણ સ્મરણ રહ્યું હશે તે રહેશે તો ધન્ય થશે। નમસ્કાર। આપને વહાં જાકે ઇતની ઇતની અચ્છી અનુભૂતિ કી કે પ્રભુ પ્યાર કી કિરણો સે જીવન આપકા ઉજાગિત હો ગયા ઓર બાબા ને પલકો પર બિઠા કે આપકો ઇતના સારા પ્યાર દિયા ઓર ઇતની સારી આપકો પ્રગતિ દી તો ઉસકે બારે મેં આપકો કુછ બતાના હે યાર કેસા લગા વો આપકો वो प्यार बाबा का आपको कैसा लगा? प्यार तो इतना दिया कि प्यार में मैं खो गया हूं, इतना प्यार दिया है कि मैं आज तक भूल नहीं सकता हूं। और जब भी
ऐसे निमंत्रण मिलते रहते हैं तो तभी मैं वहां पहुंच जाता हूं और ध्यान में बैठ जाता हूं शिव बाबा का, कि बस ऐसा प्यार जैसा मुझे मिला सारे जगत को मिले और सारे जगत के बच्चों का दुख दूर हो जाए, वही मैं प्रार्थना करता हूं शिव बाबा से। दिनेश भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शक मित्रों को अपने अनुभवों के बारे में इतना कुछ जानकारी दी, और इसके लिए मैं हमारे दर्शक मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दर्शक मित्रों, दिनेश भाई ने अपना अनुभव इतनी सुंदर तरीके से हमें बताया और साथ में उनकी कला का एक झलक भी हमें दिखाया। कितनी अच्छी बात है कि उनको वहाँ जाके इतनी सारी प्राप्ति हुई है और वो चाहते हैं कि हम सब भी मिलके उनके उनके जैसे और कलाकार भी है जिनको वो कहते रहते हैं कि आओ और परमात्मा की प्राप्ति करो, जानो कि क्या शिव का प्यार है। दर्शक मित्रों, हम हमारे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी महानुभाव से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। Thank you.